वालेकुम एवरीवन। तो हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं मोहर्रम। हमारी बहुत ही यहाँ पे ना पास में एक बहुत ही खास जगह है। हाँ, हम पापा के पास, ईजान के पापा सुबह से वहीं गए हुए हैं। अब हम रिक्शे से जा रहे हैं और मौसम इतना प्यारा हो रखा है। रिक्शा उसको रोक। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हमें नीचे उतरते ही रिक्शा भी हमारा इंतजार कर रहा है। आगे वाला। वैसे रिक्शे सारे यहाँ से अभी इस टाइम खाली जा रहे हैं। सुरसेनी बैठो। इजान, आप ऐसे बैठ जाते हो। चिपू, पापा हमें वहाँ पे मिलेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं सब लोग भर के रिक्शे से वहीं जा रहे हैं। और हम लोग जैसे ही घर से बाहर निकले हैं ना, बारिश होने लग गई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। इधर चारों तरफ बस खेत ही खेत है, बाग ही बाग है, बस जंगल है, हरियाली दिख रही है चारों तरफ। देखिए इतना अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? बड़ी अम्मी के पास जा रहे हैं। हम बड़ी अम्मी के पास नहीं जा रहे बेटा, हम पापा के पास जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए घोड़े बंधे हुए हैं। हाँ, घोड़े, ट्रेन जा रही है। ये देखिए यहाँ से ट्रेन जा रही है। ये मुझे पता नहीं है कौन सी ट्रेन जा रही है, पर जा रही है कोई सी ट्रेन। हाँ, लोकल है ट्रेन ना, ये लोकल वाली ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है ना भैया? कानपुर से आई है ये, कानपुर से आती है, यहाँ से कानपुर बालामाव लोकल पैसेंजर है ये। हाँ, ट्रेन चली गई ट्रेन। शिफान, कैसा लग रहा है आपको? आप तो घूमी करने जा रहे हो भाई साहब। शिफान को ना घूमना काफी समझ में आने लग गया अब। हाशे, पुप्पी के पास बैठी है ये तो, पुप्पी पास बैठी है ये तो। दादी के पास अभी चल रहा है, दादी के पास अभी ये खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा ना, फिर अभी चलेंगे। ट्रेन जा रही है ना, देखो लोगों के अंदर ना जरा सा भी सबर नहीं होता। देखिए सब इधर से शॉर्टकट लेने लगे। भाई साहब कैसे भाग रहे हैं लोग, देखिए बिल्कुल सबर नहीं होता लोगों में। फाटक खुलने की देर नहीं है और लोग ऐसे भागना शुरू कर देते हैं एकदम से, है ना? हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बस यहां से ही ना सड़क से इतनी भीड़ शुरू हो चुकी है, क्या चीज। अरे भाई साहब, गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां। देखिए यहीं से अंदाजा लग सकता है कितनी भीड़ है, यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कितनी भीड़ है। चलो उतरो ईजान फूफी पास चलो बेटा, मैं पैसे दे दूं। गर्मी देख के ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं भीड़ देख के खो ना जाएं। आइसक्रीम अभी नहीं चाहिए, अभी वापस में बेटा, अभी नहीं, चलो पहले देख आए चल के अंदर। मर्जिया वाले तैयार रहे, इस मौके के बाद अलविदा, उसके बाद मर्जिया।
इतनी भीड़ है यहाँ पे, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है हमें। चलो बस घर चले। बस घर चले, चलो। बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी में। गर्मी से हो गया है हमारा बहुत ज्यादा हाल बेहाल, इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं। जान को दिला दी बंदूक। चलो बोलो अब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए चलो अल्लाह हाफिज।